हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अनअकैडमी। एमबीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। दिस इज पेपर नंबर वन, जो काफी क्रूशियल टॉपिक है। पूरे 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, दो पार्ट के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर पूरा पेपर अभी आपको आता है। दो अलग अलग कॉपीज में आपको इस पेपर को आंसर शीट के अंदर अभी यहाँ पे लिखना पड़ता है। मेन जो सब्जेक्ट है वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल पोल्यूशन वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही आर्ट एंड कल्चर और मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पूरे कोर्स के अंदर आप लोगों के हैं। तो इस पूरे कोर्स को मैं पवन चौधरी और दूसरे एजुकेटर गौरव शर्मा सर, हम दोनों मिलकर इस पूरे कोर्स को आपको पढ़ा रहे हैं। पहले मैं अगर अपने बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं, तो आई एम द नंबर वन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। ठीक है, मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो है बीई एमबीए। 5 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब टॉपिक पढ़ाता हूं। साथ ही मेरा एक एनजीओ है जिसके माध्यम से, सारथी एजुकेशन ग्रुप है, उसके माध्यम से एजुकेशन और दूसरे कई सारे सोशल वर्क मैं करता हूं। हॉबीज की बात करो तो ट्रैवलिंग और जो रीडिंग है, ये दो मेरी हॉबीज हैं, इंपॉर्टेंट हॉबीज हैं। दूसरे एजुकेटर गौरव शर्मा की अगर हम बात करें, तो गौरव शर्मा सर हैं नंबर 4 एजुकेटर ऑन एन एकेडमी। इन्होंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स के अंदर फ्रॉम द जीवाजी यूनिवर्सिटी। 4 साल का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है। एथलेटिक्स, बुक्स रीडिंग और ट्रैवलिंग इनका मेन हॉबी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनके दो मेन कोर सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बाकी भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं गौरव शर्मा सर आपको पढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर वन जो है वो दो पार्ट के अंदर है, तो ये जो कोर्स है ये ऑलरेडी हम आप लोगों के लिए लॉन्च है। वो 2019 का जो कोर्स है वो लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर हम जो स्टार्टिंग है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से करेंगे, रेनेसेंस या पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं, तो पुनर्जागरण से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपके इंग्लिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, साथ में इंडस वैली और पूरा एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होगा। साथ ही आपके वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये पूरा जो हिस्ट्री है वो पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर हम दोनों के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद गौरव शर्मा सर हैं वो, उसके बाद आपको जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, आजादी के बाद के भारत का जो पार्ट है, वो आप मेरे द्वारा आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा। तो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस और आपके आर्ट एंड कल्चर, ये सब टॉपिक्स हैं मैं आपके द्वारा यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया और आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो थॉट्स हैं भारत के अंदर उनके बारे में, रेनेसेंस भारत के अंदर पुनर्जागरण हुआ है वो सभी टॉपिक हैं, नेशनल मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मुगल पीरियड, आपका मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो स्पेसिफिक मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके पहले कुछ बैकलॉग में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो पुरानी रियासतें हैं, तो उन रियासतों से कैसे पूरा जो मध्य प्रदेश है वो पूरे मध्य प्रदेश का क्रिएशन, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन अभी यहाँ पे हुआ है, वो सब चीजें उसके अंदर बताई जाएगी। उसके बाद एमपी का ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार आपको 50 मार्क्स के अंदर एमपी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो कई बार एमपीपीएससी के अंदर आए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ भी आपको जो एमपी ज्योग्राफी है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी एस्पेक्ट्स आपको डिटेल के अंदर अभी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो जो ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी पहले आपको समझाई जाएगी, और फिजिकल ज्योग्राफी के बेस के ऊपर ही आपको इंडियन ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पॉपुलेशन, जितने भी एस्पेक्ट्स ज्योग्राफी के हो सकते हैं वो सभी एस्पेक्ट्स उसके अंदर वहां पे कवर किए जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका सॉइल का या आपकी मृदा का। तो जो मृदा का टॉपिक है वो भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको आता ही है। तो फूड प्रोसेसिंग और आपकी जो सॉइल फॉर्मेशन वगैरह है वो पूरा जो टॉपिक है वो आपके हमारे द्वारा अभी इस पूरे सिलेबस के अंदर अभी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे हैं एग्रोक्लाइमेट, आपका एग्रो इकोलॉजी और जो सॉइल है वो पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा, सॉइल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पेपर का वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे हमेशा 20-25-30 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट या आप जो आपदा प्रबंधन है, पूरा आपदा प्रबंधन आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें किस प्रकार से आपके नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन सी बॉडीज इसके अंदर है, कौन से नए पुरस्कार उस फील्ड के अंदर अभी पिछले कुछ समय के अंदर अभी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सब जो डिस्कशन है वो उस पेपर के अंदर पूरा हम यहाँ पे करेंगे। साथ ही हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज, कुछ आपके क्वेश्चन हैं आपके मेंस के आंसर राइटिंग के, 3, 6 और 15 उस पैटर्न में दिए जाएंगे। साथ ही हर टॉपिक, जितने भी टॉपिक है इस पूरे पेपर के अंदर, तो सबको डिटेल में डिस्कशन के लिए आपको दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको लिखने को दिए जाएंगे फर्दर उनको क्लास के अंदर डिस्कस भी किया जाएगा
कि आपने किस तरह से आंसर को लिखना था, किस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, कोई भी अगर टॉपिक है तो किस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप 3, 6 और 15 तीन अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करके तीन अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये सब वहां पर सिखाया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है वो तीन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन है वो क्लासेस के अंदर होता है, साथ को आपको हर टॉपिक के मेंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस कोड का यूज करना है। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, और इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एग्जाम एमपीपीएससी को जो है वो आप क्रैक कीजिए। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।